हेलो एवरीवन, वेलकम टू आलोक फिजिक्स। तो आज हमारा विलयन का आई थिंक छठवां या सातवां लेक्चर है के कल हमने पढ़ा था वाष्प दाब वेपर प्रेशर। तो हम उसके आगे का अब कंटिन्यू करेंगे। कल हमने राउल्ट तक पढ़ के स्टॉप किया था, ठीक है। आज हम राउल्ट के बारे में थोड़ा और पढ़ के फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आप लोग पूरा पढ़ के आए होंगे कि मैंने जो कल पढ़ाई थी वाष्पदाब क्या होता है, कैसे बनते हैं। राउल्ट का नियम भी मैंने कुछ उसमें बताया था, आप लोग उसे पढ़ के आए हों, ठीक है। चलिए, कल हमने जो राउल्ट का नियम पढ़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि राउल्ट का नियम हमने कल पढ़ा था, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आंशिक दाब, ठीक है, क्या होता है? समानुपाती होता है। चलिए, यह हमने कल पढ़ा था। इसे हमने लिखा कैसे था? आंशिक दाब को हमने इससे दर्शाया था, पी ए से विलायक का है के समानुपाती होता है किसके? मोल प्रभाज के। किसके? विलायक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। इसी प्रकार बी का भी होगा, पी बी समानुपाती होती मोल प्रभाज ए के। फिर हमने इसको क्या किया था? हमने इसको पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल प्रभाज ए लिखा था। ये कैसे लिखा था हमने? पी नॉट ए क्या है? शुद्ध विलायक का वाप्स दाब, और पी ए क्या है? विलयन का आंशिक वाप्स दाब। विलयन का है ये, जब दोनों को मिक्स कर दिए थे। ओके, ये कैसे निकाले थे हमने? ये देखिए, ये हमने इस तरीके से निकाला था, विलयन का विलयन में विलायक का वाष्प दाब। ओके, तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब क्या था? पी ए था। समानुपाती होता है किसके? मोल प्रभाज के, ये हमने पढ़ा था। समानुपाती हटाएंगे हम तो एक कांस्टेंट हमें मिलेगा, स्थिरांक। क्या मिलेगा? पी ए इज इक्वल टू के और मोल प्रभाज ए। लिखिए, जहां पर पी ए क्या है हमारे पास? आंशिक वाष्प दाब के, जहां पर पी ए हमारा आंशिक वाष्प दाब है और के हमारे पास क्या है? स्थिरांक। और एक्स ए क्या है? विलायक का मोल प्रभाज, विलयन का नहीं, विलायक प्रभाज। ठीक है, विलयन में विलायक ए है का वाप्स दाब हमने ये है, पी ए क्या है? आंशिक वाप्स दाब है, के स्थिरांक है और एक्स ए विलायक का मोल प्रभाज है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हमने किसका निकाल रहे हैं? अभी हम ए का निकाल रहे हैं, ठीक है। ए पे ध्यान रखना, बी का नहीं निकाल रहे हैं। चलिए, जहां पर हमने क्या किया, अभी हम विलायक के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए निकालेंगे तो शुद्ध
विलायक, शुद्ध विलायक के लिए हम जो पी ए है इसको पी नॉट ए लिख सकते हैं। मैंने कल के लेक्चर में बताया था शुद्ध विलायक के लिए हम पी ए नॉट लिखते हैं, और जब वो विलयन बन जाता है तो आंशिक वाष्पदाब बन जाता है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, पी ए लिखते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग पी ए की जगह ये वैल्यू रख देंगे। चलिए अब हम शुद्ध विलायक के लिए ले रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था ये एक हमने बंद कंटेनर लिया था, ओके, ये भी हमने बंद कंटेनर लिया था, इसमें हमारे पास कुछ विलायक है। फिर हमने क्या किया था, दोनों को एक में मिला के एक विलयन बनाया था, ओके, दोनों को मिला के एक विलयन बना दिया था। इसका जो वाष्पदाब था उसको हमने किससे डिनोट किया, क्योंकि शुद्ध विलायक है, ये क्या है, शुद्ध विलायक, ऐसा नहीं कि ये अशुद्ध विलायक है, ये भी शुद्ध ही है, पर क्या है, ये दोनों का मिक्सअप है वो, ये दोनों मिलके विलयन बनाए हैं, पर ये अकेला खुद का अकेले का है, इसलिए शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल है वो इसी के हैं, इसके नहीं है, और जब ये दोनों मिलके इसमें आए तो इसमें दोनों के मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसलिए इसको शुद्ध कह रहे हैं। तो ये हमारे पास शुद्ध विलायक था, तो इसके वाष्पदाब को हमने किससे डिनोट किया था, पी नॉट ए से, याद आया, और फिर और इसके वाष्पदाब को हमने किससे डिनोट किया था, इसको हम लोग बोले आंशिक वाष्पदाब। आंशिक क्यों बोले थे, क्योंकि आधा इसका और आधा उसका वाप्स बन रहा था, इसलिए आंशिक वाष्पदाब कहे थे, और इसे पूरा इसी का ही बन रहा है, इसलिए शुद्ध है, तो पूरा इसी का बन रहा है, उसको पी नॉट ए से हमने शो किया था, ओके, ठीक है। अब जैसे मोल प्रभाज की बात आती है, मोल प्रभाज की बात आएगी, तो विलायक ए में जो मोल है इसका मोल पूरा ए होगा, इसमें वन होगा, और इसमें बी के मोल प्रभाज क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि इसमें बी तो है ही नहीं, पूरा शुद्ध विलायक किसका है, ए का है, इसलिए इसका पूरा इसका मोल प्रभाज सिर्फ इसी का होगा, ठीक है, इसका मोल प्रभाज सिर्फ इसी का होगा। जब ये दोनों को हम मिलाएंगे तो हम मैंने क्या बताई थी, हमेशा मोल प्रभाज ए प्लस मोल प्रभाज बी दोनों मिला के वन आता है, तो इसमें भी अगर हम मोल प्रभाज मिलाएंगे ए प्लस एक्स बी वैल्यू रखेंगे, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन ही आया वन, उसी तरह इसमें इसके मोल प्रभाज में ए जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए तो है ही नहीं, इसलिए मोल प्रभाज किसका होगा, इसमें बी का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। आई बात समझ में, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो मोल प्रभाज ए है ए के लिए पढ़ रहे हैं, ए के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए मोल प्रभाज जो क्या है, एक है उसकी वैल्यू, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स ए इज इक्वल टू हम ले लेंगे वन। अब एक काम कीजिए, ये जो वैल्यू है हमारे पास इसको इक्वेशन वन दे दीजिए, ओके, अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसे उठा के हम यहां रख देंगे, क्लियर, इसे उठा के हम आगे पेज है नहीं है, चलिए ठीक है, हम इस वैल्यू को यहां समीकरण एक पे रखने पे यहां लिख देती हूं, इसे मैं ऊपर लिख दूंगी बाद में, समीकरण एक में समीकरण एक में मान रखने पर मान रखने पर मान रखेंगे इसका हम इसमें पी ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे पी ए नॉट इज इक्वल टू
के की वैल्यू, के की हमारे पास अभी वैल्यू के की ही निकाल रहे हैं, नहीं है। और एक्स ए, एक्स ए की वैल्यू हमारे पास 1, तो हमारे पास क्या आ गया, पी ए नॉट इज इक्वल टू के, के की वैल्यू हमें मिल गई, के की वैल्यू हमें मिल गई। अब के की वैल्यू को वापस उठा के हम कहाँ रख देंगे, समीकरण ए में। यहाँ पे लिखिए के, के का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, रखिए। एक है हमारे पास पी ए आंशिक वापस दाब इज इक्वल टू के की वैल्यू हमें मिली पी नॉट ए और मोल प्रभाज ए, यहां से हमें ये वैल्यू मिली थी, ठीक है। क्या मिली थी हमें, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल प्रभाज, ये वैल्यू। क्लियर? कल मैंने जो आप लोगों को डायरेक्टली ये लिख के बताया था, ये वैल्यू ये कैसे आई थी, उसके पीछे इतना बड़ा डेरिवेशन था, और ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, बहुत छोटा है ये, समझाई इसलिए एक एक लाइन लिखी हूँ, इसलिए बहुत बड़ा दिख, और मैं जैसे लिखी हूँ आप लोग भी सेम एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है, तभी आप लोग को नंबर मिलेंगे। आप लोगों के प्रश्न का अगर आप इस तरीके से उत्तर दोगे तो ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने किसके लिए निकाला, ए के लिए, तो इसी प्रकार वापस दोबारा मत निकालना, इसी प्रकार हम क्या करेंगे बी के लिए भी, यहाँ लिख लीजिए, इसी प्रकार, इसी प्रकार पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी मोल प्रभाज बी, ये हमारा निकल के आ गया। क्लियर? तो मैंने जो कल डायरेक्ट वैल्यू लिख दी थी राउल के नियम के अनुसार, वो इस तरीके से आया है, ठीक है। अगर इसमें डाउट है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हमारे पास ए है और ये बी है, और ये ए प्लस बी मिलके बना है, ओके। ए में मोल प्रभाज इसका, इसकी वैल्यू 1 है, और इसकी वैल्यू बी की यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। ऐसे अपनी कॉपी में लिखोगे तो लर्न करते समय आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए, ये हमारा राउल्ट का नियम है, ये जो हमारा है ये हमें राउल्ट का है, ये राउल्ट, राउल्ट ने दिया था ये नियम, ठीक है। इसलिए मैं पीछे लिखी हूँ, आप लोग को डेफिनेशन जब पढ़ोगे राउल्ट के नियम का, तो आप लोग को पूरा ये कैसे बना पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा, ओके, राउल्ट का नियम। अब हम आते हैं आदर्श विलयन पे। आदर्श विलयन क्या है, जो हमने एक लाइन पढ़ी है, आप लोगों को भी क्लास में पढ़ाया गया होगा, जो राउल्ट के नियम का पालन करे उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। कैसे राउल्ट के नियम का पालन करेगा, वो उसकी बात मानेगा, देखिए कैसे करेगा। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वर्ड को आप लोग पकड़ना, उसके मीनिंग भी मैं आपको बता दूंगी, सभी सांद्रताओं और ताप, सांद्रताओं और सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये क्या है सांद्रता और ताप। हम ऐसे कुछ विलयन लेंगे, अभी तक हम लोग कौन सा विलयन पढ़े, द्रव द्रव विलयन पढ़े, ठीक है, जैसे कि हाँ, जैसे हमने राउल्ट का नियम पढ़ा, तो राउल्ट के नियम में हमने दो सॉल्यूशन लिए थे, द्रव द्रव सॉल्यूशन लिए थे, मैंने आपको पीछे बताई, ठीक है, दो सॉल्यूशन लिए, उस सॉल्यूशन को लेके हमने एक विलयन बनाया था, क्लियर।
अब इसी विलियन के, अब विलियन सारे एक जैसे तो नहीं होंगे, कुछ विलियन क्या करेंगे, ये रूल फॉलो करेंगे, ये रूल फॉलो करेंगे, जो आंशिक वापसदाब के, आंशिक वापसदाब जो है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, कि कुछ विलियन करेंगे और कुछ विलियन क्या करेंगे, ये नियम को फॉलो ही नहीं करेंगे, और जो फॉलो करेंगे और जो नहीं फॉलो करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमने राउल के नियम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमने राउल के नियम को, राउल ने बताया, राउल के नियम के अकॉर्डिंग हमने इसको दो पार्ट में, एक आदर्श, एक आदर्श विलियन और एक अनादर्श विलियन, ठीक है, राउल के नियम के। आदर्श विलियन वो होते हैं जो इस नियम का पालन करे, मतलब राउल के नियम का पालन करे, और अनादर्श विलियन वो होते हैं जो पालन नहीं करेगा। अभी तक इतना ही समझ में आया हमें, पर एक बात आप लोग क्लियर रखना, इसमें हम लोग विलियन पढ़ रहे हैं, दो विलियन को लेके हम दो विलायक विलय को लेके एक विलियन बना रहे हैं, इसमें डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि डिफरेंस सिर्फ विलियन में आता है, जैसे कि हम लोग आदर्श विलियन में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और अनादर्श विलियन का, आदर्श विलियन में हम लोग लेते हैं बेंजीन, बेंजीन और टालुइन, और अनादर्श विलियन जो है वो, अनादर्श विलियन तो क्या है, वो ये नियम को फॉलो ही नहीं करते, अगर ये नियम को फॉलो नहीं करते इसके बराबर ये नहीं आता, आदर्श विलियन ये नियम को फॉलो करके इसके बराबर आ जाता है, ठीक है, अनादर्श विलियन अगर ये नियम को फॉलो नहीं करता तो मतलब ये तो बराबर नहीं होगा, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, पर बराबर नहीं होगा, क्लियर, जो फॉलो नहीं करते वो इसके बराबर तो नहीं होंगे, कम ज़्यादा होंगे, तो इसके आधार पे इसको हमने क्या किया, इसके एग्जाम्पल है ये, फॉलो नहीं करते इसके अकॉर्डिंग हमने आदर्श विलियन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक धनात्मक विचलन जिसमें इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और ऋणात्मक विचलन जिसमें इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लिख लीजिए अभी आप लोग ऐसे चार्ट बना के लिख लीजिए, धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक विचलन, क्लियर। तो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग हम अब पढ़ेंगे आदर्श, आदर्श विलियन, चलिए आदर्श विलियन क्या होता है समझ में आ गई, जो राउल्ट के नियम का पालन करे वो हमारा आदर्श विलियन, सभी ताप और सांद्रताओं पे, कैसे, जैसे कि आदर्श विलियन में, आदर्श विलियन क्या होता है, आदर्श विलियन में जैसे कि कुछ शर्तें होती है, लिखिए आदर्श विलियन की शर्तें होती, कुछ जैसे कि सबसे पहली शर्त ये होती है कि आदर्श विलियन में क्या होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, कैसे नहीं होता बताती हूँ, पहला लिखिए आदर्श विलियन में आयतन, आदर्श विलियन में आयतन परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, मतलब कि जो हमारा आयतन है वी ए प्लस बी मिला के वो बराबर होता है, परिवर्तन नहीं होता, मतलब कि आयतन परिवर्तन, आयतन में कोई चेंजेस नहीं होता, मतलब आयतन परिवर्तन हमारा जीरो ही होता है, ठीक है, आयतन परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, आदर्श विलयन में आदर्श विलयन में
एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। लिखिए आप लोग, मैं समझा दूंगी सबका मतलब। एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता। मतलब वहाँ पर डेल एच मिक्सिंग जो है वो जीरो होता है। चलिए, एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, और तीसरा लिखिए इस विलयन में या आदर्श विलयन में आदर्श विलयन में अणुओं के मध्य आकर्षण बल समान होता है। ठीक है, आकर्षण बल कैसे समान होता है? जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल के लिए लिख लो, मैं बता दूंगा कि जैसे ए और ए है, इनके बीच जो आकर्षण है वो बी और बी के आकर्षण के समान है, और जब दोनों को मिला दिया जाए तब जो आकर्षण होगा वो ए और बी वो भी इन सब के बराबर होगा। ये ठीक है। और चौथा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि आदर्श विलयन में, चौथा करके लिख लीजिए, आदर्श आदर्श विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या होता है आपको मैंने इसके पहले वाली क्लास में समझा दी हूँ। ठीक है, आदर्श विलयन का वाष्प दाब द्रवों के दोनों द्रवों के दोनों लिखो तभी समझ में आएगा आप लोगों को पढ़ते समय, दोनों दोनों द्रवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, कैसे? P जो है पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। ठीक है, बस इतनी बातें आप लोग आदर्श विलयन में याद रखोगे डेफिनेशन के साथ। ठीक है, अभी क्या होता है ये, क्या ये सारे मैंने क्या लिखा है इसको मैं एक एक करके समझाती हूँ। चलिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान देना कि आदर्श विलयन विलयन बन रहा है, मतलब कोई दो चीज को मिला के विलयन बन रहा होगा। क्लियर? चलिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है जो ऊपर से क्या है बंद है तभी वापस बनेगी। क्लियर? एक और कंटेनर लेते हैं हम लोग, एक और कंटेनर लेंगे, सही से लेंगे। ये भी क्लोज कंटेनर है, एक छोटा और एक बड़ा हो गया है। ठीक है, एक वाली ले लेते हैं क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मुझे अभी समझाना है।
जैसे भी बन रहा है, पर दोनों इक्वली है, ठीक है? ये दोनों इक्वल ही कंटेनर, अलग नहीं कि एक बड़ा है और एक छोटा है, दोनों इक्वल ही है, क्लियर? फिर हम ये दोनों को क्या किए, मिलाए, ये भी क्लोज ही है, क्लोज कंटेनर में हम मिलाए, इक्वल ही है ये दोनों कंटेनर, क्लियर? इसमें हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें भी है, अभी दोनों को मिलाए, एक विलयन बना, ठीक है, चलिए बन गया। अब देखिए, इसका नाम है ए, दोनों सेम ही है, बार बार बोल रही हूँ बी, और ये दोनों को मिला के हमारा बन गया ए प्लस बी, क्लियर? मैंने आप लोगों को पहले इसमें बताई थी, पहले वाली लाइन में मैंने क्या लिखा था, हमने पढ़िए, आदर्श विलयन में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता मिलाने के बाद भी। कैसे नहीं होता, देखिए, अगर हमने यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इनके बीच जो अणुए हैं, जैसे कि ए, इसमें सारे क्या है, ए के ही मॉलिक्यूल है, ए के अणु है, बी के तो नहीं है, क्लियर? और इसमें भी क्या है, ए के नहीं है, सारे बी के ही क्या है, मॉलिक्यूल है। तो इन लोग क्या, इनके बीच जो बंड बनेगा, जैसे यहाँ ए है, यहाँ ए, ए अलग पेन से कर देते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारे पास ए, सारे ए है यहाँ पे, और यहाँ पर सारे क्या होंगे, बी बी, और यहाँ पर क्या होंगे, ए बी ए बी, क्योंकि दोनों को हमने मिला दिया है, क्लियर? चलिए, तो इनके बीच, ए और ए के बीच में जो बल है, आकर्षण बल, ए और ए के बीच में जो आकर्षण बल है, वो सेम उसी तरह है जो हमारे पास बी और बी के बीच में है, क्लियर? क्योंकि कंटेनर हमारे पास सेम है, कंटेनर हमारे पास सेम है, और उसमें इस ए और ए के बीच विलयन में जो आकर्षण बल है, सेम वही आकर्षण बल हमारे पास बी और बी के बीच में भी होगा, क्लियर? अब ये आकर्षण बल है, ये दोनों को उठा के हमने यहाँ पर मिला दिया, मिला दिया, तो ए और ए और बी और बी, इनके बीच का आकर्षण बल टूटा होगा, इनके बीच का आकर्षण बल टूटा होगा, पर जो ए और ए और ए और ये भी ए ही है, ए और ए के बीच में जो आकर्षण बल था, टूटने के बाद जब ये बी से मिलेगा, तो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो भी बराबर ही होगा, यहाँ पर ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो इनके आकर्षण बल के बराबर होगा। यही लाइन मैंने नीचे वाले में लिखाई थी, ये देखिए, हाँ, आदर्श विलयन में अणुओं के मध्य आकर्षण बल समान होता है, जैसे ए और ए के बीच में जो आकर्षण बल था वही बी बी के बीच में था, जब ये दोनों टूटे तो क्या बनाए, ए और बी बनाए, ए और बी हम एक विलयन बना, तो उनके बीच में जो आकर्षण बल होगा वो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल हुआ होगा ना, उनके बराबर ही होता है वो आकर्षण बल, क्लियर? अब दूसरा, अब एक और चीज समझिए, अब मैंने बोली कि इन ए और ए के बीच में जो आकर्षण बल होगा, जैसे कि ये टूटा होगा, पहले ये दोनों ए और ए के बीच में जो बॉन्ड था या बल था वो टूटा, वैसे बी और बी के बीच में जो बॉन्ड था वो टूटा होगा, तब हमारे पास ए और बी का फॉर्मेशन हुआ होगा, ये बॉन्ड बना होगा, इसका फॉर्मेशन हुआ होगा, क्लियर? चलिए, जब ये टूटा तो कुछ मात्रा में हीट निकली होगी, बॉन्ड जब टूटता है तो कुछ मात्रा में क्या होती है, हीट निकलती है, ठीक है? तो समझ लीजिए, इसमें अगर इसमें हीट निकली 30 जूल, इसमें भी निकली 30 जूल, मैंने बोली कि इनके बीच आकर्षण बल समान है, इनके बीच भी आकर्षण बल समान है, तो ये बॉन्ड टूटा तो कितनी हीट निकली 30, ये भी टूटा तो कितनी निकली 30 जूल। तो जब ये दोनों के बीच आकर्षण बल समान है तो ये बना होगा, जब ए और बी, तो जब बॉन्ड बनता है तब क्या होती है, नहीं, बॉन्ड टूटने में हमें इतनी जूल देना पड़ा होगा,
बॉन्ड टूटने पे हमें इतनी जूल एनर्जी से देनी पड़ी होगी, और जब ये बनता है बॉन्ड तो कितनी हीट निकली हमारे पास, टोटल 60, दोनों को जोड़ दो, 60 जूल हमारे पास क्या निकली, हीट निकली। क्लियर? क्योंकि दोनों के इसके बीच भी आकर्षण बल समान है, इसके बीच भी आकर्षण बल समान है, तो ए और बी के बीच में भी, दोनों ए और बी के बीच में भी आकर्षण बल क्या होंगे, समान होंगे। इसको तोड़ने में जितनी जूल लगी उसको बनने में उतनी हीट लगी, इसको तोड़ने के लिए हमें जितनी उष्मा देनी पड़ी उसको बनने में भी उतनी उष्मा लगी। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए, मतलब कि ओवर, इसको हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं, उष्मा का उत्सर्जन और उष्मा का अवशोषण, उसे हम लोग एंथैल्पी से दर्शाते हैं। इसलिए मैंने पहले पीछे वाली लाइन में लिखी थी कि इसमें एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, एंथैल्पी भी हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। देखिए देखिए, अब आप लोग एक काम कीजिए, मैंने अभी सिर्फ दो लाइन बताई, एक ये और एक ये, आप लोग लिखे होंगे, एक बार अपने आप से मैं जो बोली हूँ मेरे वर्ड को पकड़ो, कोशिश करो कि मैं क्या बोली हूँ उसे समझने की थोड़ी, कि क्या इनके बीच में कैसा आकर्षण बल है, क्यों समान है और कैसे वो दोनों समान हुए, एक बार कॉपी बंद करके या रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या समझाई हूँ आप लोगों को। के करिए, के क्लियर हुआ सब चीज, एक आकर्षण बल और दूसरा एंथैल्पी का पॉइंट क्लियर हुआ। इसको तोड़ने के लिए हमें इतनी ऊष्मा देनी पड़ी, हीट देनी पड़ी, इसको भी तोड़ने के लिए इतनी हीट देनी पड़ी, हम इसको तोड़ने के लिए इतनी हीट दिए कि चल बाबा तू टूट जा, और इसको भी तोड़े, जब ये विलयन बना, ए और बी बना, इसको तो तोड़ना नहीं है, बॉन्ड बना रहे, तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी, हमें उतनी ही हीट वापस मिल गई, तो ओवरऑल नेट ऊष्मा जो हमारा ओवरऑल वो क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, डेल एच मिक्सिंग जीरो हुआ, एंथैल्पी हमारे पास क्या हो गई, जीरो। क्लियर? अब बात आती है आदर्श विलयन में आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे कि हमने यहां पर लिया 20 लीटर लिया था, जो भी सॉल्यूशन लिए, यहां पर हमने लिया 10 लीटर, ओके, यहां पर 10 लीटर लिए, तो ये दोनों मिला के हम, ये ए और बी मिला के हमने यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया, तो हमें कितना मिला, 30 लीटर ही मिला होगा, तो ओवरऑल वॉल्यूम में कुछ चेंज हुई, वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं, हमने अगर यहाँ पर जो विलायक है, जो हमने विलायक लिया या विलय लिया वो 20 लीटर ही लिए थे, क्लियर, और ये हमने कितना लिया था, 10 लीटर, जब दोनों को मिला के जब हमें सॉल्यूशन बनाया या विलयन बनाया तब भी क्या मिला हमें, 30 लीटर, क्लियर, ये 20 लीटर 10 लीटर दोनों मिलके भी क्या मिला, 30 लीटर, तो ओवरऑल वॉल्यूम में चेंज हुआ कैसे, ए प्लस बी वॉल्यूम जो मैंने यहाँ पर बताई थी, ये कंटेनर है हमारे पास, ये ए प्लस ये कंटेनर जो है हमारे पास बी, ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बनाए ए प्लस बी, ठीक है, तो ओवरऑल वॉल्यूम में चेंज हुआ नहीं, ओवरऑल वॉल्यूम क्या हुआ हमारा, नेट वॉल्यूम जीरो। क्लियर? चलिए अब है आदर्श विलयन का वाप्सदाब दोनों द्रवों के आंशिक वाप्सदाब के बराबर, के योग के बराबर होते हैं, ठीक है, पी ए तो आपको बता दी थी कि आंशिक वाप्सदाब होता है, पी नॉट ए क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाप्सदाब होता है। पूरी लाइन क्लियर हो गई अब? चलिए,
तो यही हमारे आदर्श विलियन की कुछ शर्तें हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए और लर्न कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आएंगे ही, ठीक है। और एक और लाइन जोड़ सकते हो इसमें पांचवा, कि आदर्श विलियन राउल्ट के नियम को का पालन करता है। एक और पांचवा करके यहाँ लिख दो, ये जो पांचवा लिखा रही है उसको फर्स्ट करके लिख देना, कि आदर्श विलियन, आदर्श विलियन राउल्ट के कैसे पी ए, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूं अब तक, तो आप लोगों को रट गया होगा ये, क्लियर। क्लियर, तो ये लाइन भी आप लोग लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या, लिखना ही है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर। चलिए, आदर्श विलयन में आयतन में परिवर्तन नहीं होता, कैसे नहीं होता मैंने बता दिया, अगर 20 और 10 लीटर का एग्जांपल लेके, ठीक है। और आदर्श विलयन में एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जितनी हीट हम उसमें देते तोड़ने के लिए बॉन्ड को, ठीक है, उतनी जब बॉन्ड बनती है तो उतनी एनर्जी, उतनी हीट क्या रिलीज हो जाती है, क्लियर। तो नेट नेट हीट या नेट एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। और आदर्श विलयन में अणुओं के मध्य आकर्षण बल भी समान होता है। चलिए, अब आता है अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन से क्या समझे, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो अनादर्श विलयन क्या होते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, वो हमारा अनादर्श विलयन। सेम डेफिनेशन मैंने यहाँ पर वही लिखा है, वे विलयन जो राउल्ट के नियम के सभी सांद्रता तथा ताप का ताप पर पालन नहीं करते हैं, तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन दोनों में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। इसके भी विशेषताएं लिख लीजिए, शर्तें लिख लीजिए, शर्तें लिख लीजिए, इसके भी सेम वही है, अनादर्श विलयन, अनादर्श के कैसे नहीं करते, देखिए, पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट मोल प्रभाज ए, सेम इसी तरह हम लिखेंगे पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी मोल प्रभाज बी, क्लियर। चलिए, और फिर दूसरा हो जाता है, ये फर्स्ट हो गया हमारे पास, फिर दूसरा है हमारे पास सेम, आदर्श विलयन में एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, अनादर्श एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, मतलब कि एंथैल्पी में परिवर्तन, मतलब डेल एच नॉट इक्वल टू जीरो, परिवर्तन होगा तो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तीसरा, आदर्श विलयन में आयतन में भी परिवर्तन, आदर्श विलयन में
आयतन में, अनादर्श विलयन में आयतन में परिवर्तन होता है, जब दोनों का डिफरेंस भी आएगा ना, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन का डिफरेंस भी आएगा, तो जो मैं ये शर्तें लिखा रही हूँ आप लोग इसको डिफरेंस भी बना के लिख सकते हो, दोनों के बीच अंतर जब आएगा तब, ठीक है। तो डेल वी नॉट इक्वल टू जीरो। और चौथा पॉइंट लिखिए, अनादर्श विलयन में अणुओं के मध्य आकर्षण बल भिन्न भिन्न होते हैं। लिखिए, अनादर्श विलयन में अणुओं के मध्य आकर्षण बल भिन्न 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 होते हैं। क्लियर? मतलब कि ए और ए नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू ए बी, ये सब अलग होते हैं। क्लियर? के आप लोग भी सेम एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे? क्लियर? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिखना बेटर है, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्लियर? चलिए, अब अनादर्श विलयन, अब अनादर्श विलयन तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है, तो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते मतलब राउल्ट के बराबर नहीं होते, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो राउल्ट के बराबर होगा। तो अगर ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते तो उस आधार पे या तो ये कम होंगे या ज़्यादा होंगे, पर उसके बराबर तो नहीं होंगे। मैंने फर्स्ट वाली स्लाइड में ही आपको बताया था, देखिए, ये देखिए, मैंने फर्स्ट वाली स्लाइड में आपको बताया था राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग विलयन को हम दो पार्ट में डिवाइड किए, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम को पालन नहीं करता, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में बदले थे। क्लियर? जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, अनादर्श विलयन क्या होता है? अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, मतलब कि पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए, गलत, नॉट इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक होता है धनात्मक विचलन और एक होता है हमारा ऋणात्मक विचलन। अब धनात्मक और ऋणात्मक से क्या समझ में आता है? धनात्मक विलयन इसके बराबर तो होगा नहीं, या तो इससे कम या इससे ज़्यादा। धनात्मक मतलब धन है, ज़्यादा हो जाएगा, ऋणात्मक मतलब उससे कम। कैसे? आप लोग सिर्फ ये वाला जो फॉर्मूला है, डेफिनेशन है राउल का, वो ध्यान में रखना, फिर इसको सॉल्व करना। धनात्मक मतलब हमारे पास जो पी है, ये इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी किस से? पी नॉट ए से, मोल फ्रैक्शन। सेम इसी तरह बी का भी लिख दोगे, ज़्यादा हो जाएगी, वो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, जिसमें उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? ये
और ये, यही हमारा धनात्मक और ऋणात्मक विचलन है जो अनादर्श विलयन के ही प्रकार है। चलिए, इसके अकॉर्डिंग धनात्मक विचलन जो मैंने अभी पीछे समझाया ना, बस वही डेफिनेशन में लिख दिया गया है, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिक वाप्स दाब उत्पन्न करते हैं। अधिक वाप्स दाब, बताइए अभी ना, वाप्स दाब अधिक, ये उत्पन्न करते हैं, तथा एंथैल्पी व आयतन में वृद्धि होती है। एंथैल्पी में भी वृद्धि होगी, ये एक पॉइंट। दूसरा, एंथैल्पी में वृद्धि मतलब डेल एच हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंथैल्पी वो आयतन में भी वृद्धि होगी, मतलब कि डेल वी भी हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर, वृद्धि होती है, उसे धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन कहते हैं। बस क्लियर, इसमें जो सॉल्यूशन होगा उसमें आयतन ज़्यादा आ जाएगा और उसमें एंथैल्पी की वैल्यू भी ज़्यादा आ जाएगी, जिसको हम उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण, उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण द्वारा हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम भी इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, जैसे कि अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, देखिए बहुत प्रकार के सॉल्यूशन है, आप लोग अपनी बुक खोल के देखोगे इसमें बहुत प्रकार के सॉल्यूशन है। अब कौन उसमें वापस में बदल रहा है और कौन वापस में नहीं बदल रहा, वो आप लोग को देखना है। मैंने जब वापस दाब पढ़ाई थी तब आपको मैं विलयन बताई थी, वापस दाब उसी का बनता है जो वापस में बदले, जल और अल्कोहल का मैंने एग्जाम्पल ली थी। अब उसी प्रकार आदर्श विलयन, आदर्श विलयन वही बनाएंगे जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। राउल्ट के नियम में क्या था, वापस दाब। क्लियर, तो उसमें भी हम लोग वही विलयन लेंगे जो वापस में बदलेगा। तो मैंने इसमें एग्जाम्पल का बेंजीन प्लस टालुइन, टालुइन बताया आपको। क्लियर, अब अनादर्श विलयन में हमारे पास दो आ जाते हैं, जो धनात्मक विचलन आ जाते हैं और एक ऋणात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन में हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है जल प्लस एल्कोहल, एल्कोहल इसमें वॉल्यूम में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, एंथैल्पी में भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। क्लियर, चलिए ये हमारा क्या था, धनात्मक विचलन। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिखना बेटर है, मैं जैसे लिखा रही हूँ वैसे नोट्स बनाते हुए आप लोग चलिए। क्लियर, चलिए क्लियर, अब आप लोग ऋणात्मक विचलन अपने आप से बना सकते हो। ठीक है, जो जो लिखी बस उसमें ऋणात्मक मतलब माइनस हो गया। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से कम वापस दाब उत्पन्न करते, लाइक कम वापस दाब उत्पन्न करेंगे मतलब, क्लियर, या ऐसे भी लिख लो, दोनों लिख लो साथ में, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, कम वापस तथा एंथैल्पी आयतन में कमी होती है मतलब ऋणात्मकता, एंथैल्पी में कमी मतलब ऋणात्मकता और कमी मतलब माइनस हुआ होगा, तो एंथैल्पी में भी कमी हुई होगी, चलिए आयतन में भी कमी हुई होगी क्योंकि वापस दाब उत्पन्न करते, कम वापस दाब उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम में भी कमी हुई होगी। क्लियर, अब इसके एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन
क्लियर? चलिए, तो ये अनादर्श विलयन के दो टाइप है, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। अब मैंने धनात्मक और ऋणात्मक दोनों विचलन पढ़ा दिया है। अगर आपको इसके बीच भी अंतर लिखने आए तो मैंने जो जो आप लोगों को लिखा है लाइन बाय लाइन कि उसमें वाजदाब में कमी होती है, धनात्मक विचलन में क्या होता है वाजदाब ज़्यादा उत्पन्न करते हैं, उसमें वृद्धि होती है। अगर उसमें वृद्धि होगी तो आयतन में भी वृद्धि होगी और एंथैल्पी में भी वृद्धि होगी, प्लस उसका एग्जाम्पल। सेम ऋणात्मक विचलन का भी वही है। तो आप लोग जैसा मैं नोट्स बनाई वैसे लिखिए सेम, ठीक है? और अगर अंतर भी आता है तो आप लोगों को अलग से उसके बीच का अंतर याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ सारा पॉइंट टू पॉइंट करके एक एक चीज़ आपको लिखा है, क्लियर? तो चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऋणात्मक विचलन का भी। ठीक है, तो एग्जाम्पल को भी आप लोग ध्यान से रखोगे कि मैंने क्या क्या एग्जाम्पल लिखाया है। आदर्श विलयन में मैंने क्या एग्जाम्पल लिखाया था? आदर्श विलयन चलिए अनादर्श विलयन, हाँ मैंने इसमें लिखा था जल प्लस अल्कोहल। ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, ठीक है? इसका एग्जाम्पल। और दूसरा ऋणात्मक, ऋणात्मक विचलन में क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, बेंजीन क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। प्लस एसीटोन है बेटा, एसीटोन, क्लियर? ओके, आदर्श विलयन में मैंने बनाई थी बेंजीन प्लस टॉलुइन का एग्जाम्पल, बेंजीन प्लस टॉलुइन का एग्जाम्पल बताई थी। और धनात्मक में मैंने बताया आपको जल प्लस एल्कोहल का, और इसमें क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी आप लोग याद करोगे, ये कुछ ही एग्जाम्पल है, आप लोग के बुक में और भी एग्जाम्पल दिए, अगर आप लोग को इसमें और एड ऑन करना है तो आप ऐड कर सकते हो, क्लियर? ये सिर्फ विलयन है, ठीक है? इसके मैकेनिज्म में अभी नहीं जाना हमको। ये ऋणात्मक, ये जो सॉल्यूशन है ये जब मिलते हैं तो ऋणात्मक टाइप के अनादर्श विलयन बनाते हैं, और जो मैंने धनात्मक वाला बताई जल प्लस एल्कोहल वो धनात्मक बनाते हैं, और बेंजीन प्लस टॉलुइन आदर्श विलयन है, क्लियर? तो मैंने आपको आज जितना भी समझाया, राउल्ट का नियम सबसे पहले हमको ये लेक्चर राउल्ट का नियम पढ़ना है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है हमें वाजदाब जानना, क्लियर? वाजदाब जानने के बाद हम जानेंगे राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के डेफिनेशन, राउल्ट का थोड़ा बहुत डेरिवेशन, ठीक है? जो मैंने आज की क्लास में डेरिवेशन बताया फर्स्ट वाले स्लाइड पे, ठीक है? फिर उसके अकॉर्डिंग हम जाने फिर नेक्स्ट में जाएंगे कि आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होता है। चार्ट के थ्रू आप लोगों को बताए तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए आप लोग, और वैसे ही लर्न कीजिए, ज़्यादा लेंथी नहीं लगेगा, क्लियर? चलिए, तो हम आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो इसके नेक्स्ट जाने से पहले आप लोग ये वाला, अभी तक पांच या छह लेक्चर हो चुके हैं, आप लोग ये सारे मेरा मानना है कि आप लोग अपनी कॉपी में लिखे होंगे, ठीक है? तो सारे एक बार सारा चीज़ आप रिवाइज करके आ जाइए क्लास में आने से पहले, आप लोग या ये वीडियो देखने से पहले अपनी कॉपी खोल के पाँच या दस मिनट एक बार पेज पलट के एक बार उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, क्लियर? ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।